नमस्कार, मैं हूं क्राम सोलंकी। आप देख रहे हैं निमाड़ का दबंग न्यूज। बड़वानी जिले के पानसेमल नगर में 3 दिन के स्वैच्छिक बंद का दिखाई दिया असर। पानसेमल नगर के जिम्मेदार नागरिकों व व्यापारियों द्वारा 3 दिन के स्वैच्छिक लॉकडाउन का निर्णय का असर दिखाई दिया। आज पहले दिन बस स्टैंड से लेकर मुख्य मार्ग गांधी चौक एवं गायत्री मंदिर तक दुकानें बंद रही। केवल सब्जी मार्केट में सब्जी की दुकान, दूध एवं मेडिकल खुले दिखाई दिए। वहीं दोपहर 1 बजे के बाद मेडिकल भी बंद किए गए। वहीं रंगपंचमी का त्यौहार होने से लगभग सभी लोग घर पर ही नजर आए। हमेशा व्यस्त रहने वाले मार्ग पर भी आज सन्नाटा पसरा रहा। भावेश अहिर है। आप तो सब्जी का धंधा करते हो? यस सर। तो अभी आज पहला दिन है लॉकडाउन का, तो इसमें और पहले के जो बिना लॉकडाउन वाले दिन उसमें क्या फर्क है? पहले में भी सर 700-800 रुपए का धंधा कर लेते थे और 100-200 रुपए का दाल की पानी निकाल लेते थे। आज का तो कुछ ही नहीं फर्क सर, 30-40 रुपए भी नहीं आया दिन भर से। लॉकडाउन का पहला दिन है, आप क्या खरीदने आए थे बाजार? हम दवाई लेने आए थे सर। अच्छा, दवाई वही मिल गई? फिर मैं क्या थोड़ा फल वल भी ले लेंगे, तो फल की दुकानें तो कोई मिली नहीं, फल वाले आज शायद है नहीं। और सब्जी वगैरह लेने थे, सब्जी भी ले ली। और बस जो आवश्यक वस्तु थी वो लेने के लिए आए थे, मिल गई, फल नहीं मिले बस।